हाँ की हो गया मझ खलबड़े भी नहीं खाती फिर एक काम करो तूड़ी खवाओ तूड़ी भी नहीं खाती फिर यार बरसीन खवाया करो ना उन्होंने हैं हाँ बरसीन खवाओ ना ठीक है ओके की हो गया गुलगुले बड़ा उदास लग रहा है क्या बताऊं यार गोपी बीवी ने फिर से एक साड़ी की डिमांड सामने रख दी और इस बार तो ये कह रही है कि अगर मैंने नई साड़ी नहीं खरीदी तो घर ही ना आऊं साड़ी तो ठीक है लेकिन बीवी किसकी है मेरी ही बीवी है तेरी तरह नहीं हूं कि पड़ोसनों के साथ अफेयर करता फिरूं क्यों लब और कुछ लड़ रहे हैं आपस में अर्ली मॉर्निंग मम्मी जी गुलगुले की बीवी ने ना नमी साड़ी की डिमांड की है जी द्रौपदी और ये थारी बीवी साड़ी की सप्लाई खत्म ना हो रही सुसरी की अबे दुकान खोलेगी के इतनी साड़ी में लिप्त हो रही है सच्ची कहूँ ना तुमने नाक कटवा के धर रखी है हमारी घर हो या बाहर हो हैं सब हम ही देखे आराम से क्या आराम से क्या आराम से अरे सुनो जरा आराम से जरा नर्वस हो जाते जरा आराम से मैडम मुझे डर लगता है अच्छा एक औरत ने एक रैप्टा क्या मार दिया तुम्हें डर लगता है चुटिया घुमा के ए जी हमें यूं बता दो कि तुम क्यों नर्वस आ जात हो यूं चुटिया घुमा के ओ नाटी बॉनी कदाई जो है बेडरूम बना दिया चौकी को कौन है तू हम टेस्टी हैं ओ ये क्या बात कर रही है यार कहा हूं ना ऐसा कैसा नाम रख दिया मम्मी डैडी ने माँ बाप का नाम भी वैसा ही था बिल्कुल डैडी का नाम रहा स्वादिष्ट चौरसिया और मम्मी का चटपटी चौरसिया और हम हैं टेस्टी पटेल इनकी पत्नी चुटिया घुमा के हाँ भाई सारा कोई नाम रखा है पेरेंट्स ने या पालने में रख के भूल गए बेटे को मैडम मैं नर्वस हूँ वो तो यार तुम दिख ही रहे हो नर्वस हो ये बताओ तुम हो कौन वही तो बता रहा हूँ कि मैं नर्वस हूँ अरे यार देखो मैडम जैसी हरी भरी मेरा मतलब है लल्लन टॉप लॉलीपॉप मेरा मतलब है स्ट्राइकिंग पर्सनालिटी को देख के तुम डरो मत मतलब बड़े बड़े लोग नर्वस हो जाते हैं ऐसा होता है लेकिन तुम बोलो यार अपना नाम तो बोलो ए जी तुम क्यों मुंह जोर दगाबाज बलमा हुए जा रहे हो क्यों मुंह में बतासे की तरह फूट ना जाते क्यों ना पक देते इन्हें कि तुम नर्वस पटेल हो चुटिया घुमा के अरे तू शांति ना घूम कौछू ने अच्छा अगर हमसे तुमने ज्यादा मुंह जोरी करी ना तो घर चल के हम त्योहार हो ऐली का बैली का गैली कर दे समझ गए ना अरे ओ आईली गईली लेडी रवि किशन चुप खड़ी हो ले वरना यही रिलीज कर दूंगी थारी पिक्चर में बोलो मैडम के मैं जरा सा पानी पी लूं कह के मैं नर्वस हो गया हूँ जरा आराम से जरा सा पानी क्यों तुम बाल्टी भर भर के ला दो जी ने बाल्टी सड़क लेंगे पानी निकलने आए हैं ये हैं हे गंगा मैया हमारे बैरी करम फूटे करम हो रहे हैं ये सैया ये नर्वस सैया हमारी किस्मत में लिख दिया गंगा मैया तुमने चुटिया घुमा के ओ नगमा ज्यादा लाड़ में ना वरना चुटिया पंखे से बांध के जो है ना घुमा दूंगी यही चौकी में नहीं बोलेगा फूटेगा मुंह से मैडम बात यह है कि हमारे पास एक कार थी जो चोरी हो गई है ओहो कहां से चोरी हो गई वो बेडरूम में तुम अपनी गाड़ी बेडरूम में रखते हो नहीं नहीं कार तो गैरेज में रहती है ना अरे तो बेडरूम में कहां से आ गई तो बेडरूम में कहां से आ गई बेडरूम में तो मैं आ गया अरे यार चोरी क्या हुआ है कार या तुम कार अरे तो बेडरूम बीच में कहां से आ गया अरे बेडरूम कहां बीच में आ गया बेडरूम तो कॉर्नर पे है ना तो बीच में क्या है कंटिन्यू मैडम बात यह हुई है कि बेडरूम में जब मैं रात को सोने के लिए गया था तभी कार जो है वो गैरेज में ही थी लेकिन जब मैं सुबह उठा तो कार चोरी हो गई थी जरा आराम से ओ नहीं मैंने है ये सोचा कि केस में है कुछ तो लोचा ओके बाय अच्छा गाड़ी तू चला बस अपनी ये कार चलाएंगे अरे मैडम ये खुली सड़क पे साइकिल भी चलाए ना डंडमा के तो भी किसी से भिड़भिड़ा जाएंगे चुटिया घुमा के तो कार कौन चलाता है पाबी जी आप ओ पाबी
भाभी की गोद में बैठ जा, स्टेप नहीं बन जा भाभी की, भाभी हो रहा है बिल्कुल ही। सॉरी सॉरी मम्मी जी। अरे बोलो, गाड़ी कौन जलावे था भाई? मैडम मैं थोड़ा सा पानी पी लूं क्या, कि मैं थोड़ा नर्वस हो गए हूं, जरा आराम से। ए जी कहो तो जहर घोल के ले आओ मैं शरबत में। हैं वो पी लो तुम। हे भगवान क्या करूं मैं इस आदमी का चुटिया घुमा के। ओ पापी के देवर। हाँ जी जी मम्मी जी। जरा लेके जाए इसने सुसरी ने, जरा ठास वास पिला, ठंडा कर इसने, चल। जी जी आओ जी पापी जी। जी 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 छास पिला ठंडा कर साली। आओ जी आओ आओ पापी जी, गोलगप्पे खाएंगे जी। देखो भैया हम तो मीठे के शौकीन हैं। आओ तो सही भाई। जजमान फॉर द लास्ट टाइम, गाड़ी कौन चला बैठा तुम्हारी? मैडम गाड़ी जो है ना वो मेरा ड्राइवर चलाता है, उसका नाम है गति। तो हुआ ये कि वो आज सुबह ही अपने गांव चला गया और उसके जाने के बाद ही वो गाड़ी है ना वो चोरी हो गई है। जरा आराम से जरा पता करवा लोकेशन, देख जरा किसने चुरा ली। रेगिस्तान के प्राणी। पानी की टंकी में जाए कुर्सी डलवा दूं थारी। नहीं मैडम मैं नर्वस हूं ना, जरा आराम से। मैडम इसकी छोड़िए, ये तो हमारा लफंदर किस्म का आदमी हो रहा है यहाँ चुटिया घुमा के। ये बताइए कि हमारी गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? पता चला हमारी कार कहाँ है, किस हालत में, कैसी है चुटिया घुमा के? सब कुछ पता चल गया भाभी जी, गड्डी भी मिल गई और गड्डी चोर भी मिल गया। हाँ भाई ओ गुल्लूले चल ओए चोर चल 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 प्रणाम। ये रहा वो गाड़ी चोर। प्रणाम चिंटोला पूर्वा गांव में गाड़ी के बोनट पे आराम से लेटा हुआ था और आइसक्रीम खा रहा था। अरे मैडम मैं चोर नहीं हूँ, अंगड़ाई ले लेके। अरे मैडम ये तो हमारा ड्राइवर बा चुटिया घुमा के। हाँ मैडम ये तो मेरा ड्राइवर है, इसका नाम है गति, जरा आराम से। अबे साले जब गाड़ी ड्राइवर के पास है तो तू यहाँ एफआईआर लिखवाने क्यों आया है? मैडम मेरे को मालूम नहीं ना कि मेरी गाड़ी है ना वो मेरा ड्राइवर लेके गया, जरा आराम से। ओ पर तुम अपने मालिक को बिना बताए उनकी गाड़ी लेकर चले गए हैं? अरे तो और क्या करता गाड़ी ले लेके, अरे हमें अपने गाँव जाना था। तो मालिक की गाड़ी लेके जाएगा बिना इन्फॉर्म किए, दामाद हो रहा है घर का। एक्सक्यूज मी मैडम वो गाड़ी मेरी है, अंगड़ाई ले लेके। हाय दैया, अरे ई के झगड़ जोरबंदी की बातें कर रहे हो तो चुटिया घुमा के। हाँ ए जी तुम तो हमेशा कहते रहे कि गाड़ी तो हार बा, हाँ गुजराती में न जाने कहाँ पटर पटर कर रहे थे हमसे और हम का मतलब निकाल लेते हैं चुटिया घुमा के। ए जी ये का कह रहा है लेकिन गाड़ी की बात कुछ तो बोलो। हाँ चुटिया घुमा के तू शांति रह, उन तने पछि समझावो छु। अरे का पछि समझावो छु, अब समझने को क्या बाकी रह गया चुटिया घुमा के। भाई गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। ना भाभी जी ने जो है पारक वारक में घुमा ले, जरा गुब्बारे बैलून दिलवाओ जरा भाभी ने। झूला झूला है ना? हाँ झूला झूलाऊंगा, झूला झूलाऊंगा। पार्क बड़ा बंद हो जाता है। अबे ओ स्लो ट्रेन, आलस के अंगूर के हो रहा है मैटर। अरे देखिए मैडम आप इनसे ये पूछिए कि जब हम ड्राइवर की नौकरी करने इनके यहाँ गए तो इन्होंने हमसे क्या कहा था अंगड़ाई ले लेके, बताइए। हाँ मैडम मैंने पूछा कि पैसे कितने लोगे, जरा आराम से। नहीं 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 उसके बाद क्या कहा था? मैंने एक मिनट मैडम जरा टेंशन आ गया, मैं थोड़ा नर्वस सा गया हूँ। मैडम मैंने कहा कि देखो गाड़ी जरा आराम से चलाना, लेकिन मैडम ये दिखने में जितना आलसी दिखता ना उतना ही गाड़ी बहुत तेज चलाता है और हम कहते रह जाते कि आराम से गति आराम से। नहीं 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 उसके बाद क्या कहा था? अबे थारी जवान पे मेहंदी लग रखी से तू ना फूट सके। अरे मैडम जब हम इनके यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने गए थे अंगड़ाई ले लेके तो इन्होंने हमसे कहा था कि भाई गाड़ी अपनी समझ के चलाना।
तो फिर हमने गाड़ी अपनी समझ के चलाई। अब मैडम कोई इंसान अगर अपने गांव जाना चाहता है तो वो अपनी ही गाड़ी लेके जाएगा ना, अंगड़ाई ले लेके। सतुर करना आती है। अभी निकाल के बाहर करे हरामखोर ने। नहीं मैडम, मैं नहीं निकाल सकता इसको, क्योंकि मैंने ना इसके साथ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ड्राइवर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ना, जरा आराम से। अबे तो कम से कम इस नलायक ने ढंग के आर्डर दे। कंफ्यूज ये आर्डर दे रहा है तू। इस साले ने जो है हम सबके सामने बोल कि वो गाड़ी जो है थारी वो इसकी अपनी समझ के ना चलाए, थारी गाड़ी समझ के चलाए। गति, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है। उसे अपना समझ के मत चलाना, समझे? जरा आराम से। ओके, अंगड़ाई ले लेके। इब निकलो दोनों, मालिक और नौकर। नाची। अंकल, आपको कभी गोली लगी है? गोली? अरे बेटा तू क्या समझता है, इतने सालों में कई बार गोलियां लगी मुझे। अरे पैर में लगी, हाथ में लगी, पेट में लगी, लेकिन फिर भी मैं कभी मरा नहीं। मरोगे भी कैसे, आप मोटी चमड़ी के जो हो। अरे ऑफ को नाची। अबे तेरी तो। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। कार ना है थारे फेस पे कोई? क्यों जी? स्माइलिंग देखो, ईयर टू ईयर क्रोकोडाइल स्माइलिंग। आराम से गति, आराम से गति, और गति मत कर, आराम से। मैडम 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 मैडम, ये देखिए गति ने फिर से क्या कर दिया, जरा आराम से। क्या कर दिया दुर्गति ने? अरे मैडम, इसने मेरी गाड़ी को इतनी फास्ट चलाई कि पूछो मत। मैंने उसको बोला भी कि जरा धीरे से गति, तेरी गति थोड़ी कम रख, लेकिन इसने क्या किया मालूम है, मेरी गाड़ी ने दोनों तरफ से बुरी तरह से ठोक डाली, जरा आराम से। अरे ये कोई हमने जानबूझ के थोड़ा ही किया था अंगड़ाई ले लेके। अरे यार तुम गाड़ी संभाल के क्यों नहीं चलाते? अरे दादाजी, अरे मतलब अंकल, अब देखिए इन्होंने आप ही के सामने हमसे कहा था कि हमारी गाड़ी को अपनी गाड़ी मत समझना। अब देखिए आदमी उस चीज को संभाल के इस्तेमाल करता है जो उसकी अपनी हो। अब हमने वैसा ही किया, अब इनकी गाड़ी हमारी अपनी तो थी नहीं, इसलिए हमने रेती साले को अंगड़ाई ले लेके। मैडम देखे, मैडम मैडम एक मैडम, मुझे ये ड्राइवर कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियार लगता है, इसका हमें कुछ करना होगा। थैंक यू जो तैने बता दिया मन्ने, वरना मन्ने तो कोई क्लू ही नहीं था ना। मैं तो जो है ममता में बावली हो रही थी, बेटा मान लिया था मैंने तो इसे। अरे आया बड़ा भैया, ऐसा है कि मिस्टर गति इसकी गाड़ी ने ठोक देने के बाद भी थारे माथे पे सिकन आ रही है, बिल्कुल ही झूले ले रहा है, उबासी ले रहा है। ऐसा दोनों निकलो, हम सोच के बताएंगे क्या करना है। आइए मालिक, मैं आपको आपकी कार में हवाई जहाज का मजा देता हूँ अंगड़ाई ले लेके। मैं तो पानी ठीक है घर पे पी लूंगा। वहां मेरे दिमाग में आप Let him stand there all day. बस। ये पुतला अच्छी क्वालिटी का है ना गोपी? हाँ हाँ यार, बढ़िया शोरूम से मंगवाया है यार। तुझे पक्का पता है कि वो नर्वस पटेल उसका ड्राइवर इसी रास्ते से आते हैं? हाँ हाँ सब पता कर लिया मैंने, वो इसी रास्ते से अपने घर जाता है। अरे यार आराम से, आराम से। ओके रोड्रिक्स, बाय माय फ्रेंड रोड्रिक्स। काम हो गया, चल आराम से गति। अरे पीछे तुमने हाथ में उठा, आराम से गति। पुलिस, पुलिस आराम से। पुलिस? मैंने कहा था जरा आराम से, फंस गए ना अभी। Hit and run case.
क्यों बे साले, आदमी उड़ा दिया तेरे हैं? मैडम इसमें मेरी गलती नहीं है, वो अचानक मेरी गाड़ी के नीचे आ गया अंगड़ाई ले लेके। मजना किला ₹300 की लगेगी। फांसी होगी फांसी। नहीं मैडम मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम मैडम। अबे क्यों बचाऊं तेने, के करेगा बच के? अपने मालिक की जो है गाड़ी लेके फिर रवाना हो जाएगा गांव को, या ठोक देगा मालिक की गाड़ी, या किसी आदमी ने कुचल देगा गाड़ी के नीचे। सेंसा हो रहा है तू, दुनिया थारे बाप का माल हो रही है। मालिक मालिक आप मैडम से कहिए ये आपकी बात मान लेंगे आई ले लेके। अब मैं क्या बोलूं, मैं हमेशा तुझे बोलता था कि जरा आराम से, लेकिन तुमने नहीं सुनी तो मैडम भी मेरी बात क्यों मानेगी जरा आराम से। मैडम मैडम मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी तेज और रफ गाड़ी नहीं चलाऊंगा और कभी भी अपने मालिक को परेशान नहीं करूंगा और एक 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 जिम्मेदार ड्राइवर बनके दिखाऊंगा। मैडम मैडम अगर आज के बाद कभी भी मुझसे कोई गलती हुई ना तो मुझे आप सूली चढ़ा दीजिए अंगड़ाई ले लेके। यो बात से अबे तो यो जो है ना गोपी और गुलगुले हैं हवलदार। बेटा थारी गाड़ी के आगे जो आदमी आया था ना वो आदमी कोई ना था, वो पुतला था, और यो सब हमने कराया है ताकि तू एक सबक सीखे, और आइंदा अगर तेने ऐसी कोई भी गलती करी है ना तो बेटा पुतला तो नकली होगा, सजा असली मिलेगी तेने। और ओ नर्वस पटेल, आगे से ऐसे नलायकों को काम पे रखने से पहले दो बार सोच लियो वरना एक दूंगी रैप्टा कान के नीचे। हाँ हाँ दो बार सोच लूंगा जरा आराम से अंगड़ाई ले लेके। गुड एक्टिंग, गेट अप। अबे गेट अप तो सही है, जरा एक्सेंट का भी कुछ कर ले। गेट अप। Excuse me, क्या आप बता सकते हैं कि मैडम कहाँ है अंकल? Shut up, don't disturb me. I'm sorry. Excuse me, क्या आप बता सकते हैं कि मैडम कहाँ है? हाँ मैं ही हूँ मैडम, बोलो। क्या बात करते हैं, आप थोड़ी ना मैडम हैं। हाँ तो मैडम नहीं दिख रही है ना, मतलब मैडम नहीं है ना, मतलब आएगी ना, मतलब रुको ना जरा। Good morning. मैडम 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 जरा आराम से। क्या हो गया, फिर आ गया मुंह उठाए चौकी में? नहीं मैडम, ये जो है ना ये मैंने नया नौकर रखा है, तो इसने क्या किया मालूम है, अपने सारे रिश्तेदारों को मेरे घर पे बुला दिया जरा आराम से। मैडम अब हम क्या करें, इन्हीं से पूछे क्या, इन्होंने हमें नौकरी देते वक्त ये नहीं कहा कि इस घर को अपना समझना? तो मैडम इसने मेरे घर को अपना घर समझ लिया और अपने सारे रिश्तेदारों को मेरे घर पे बुला दिया जरा आराम से, अब आप ही कुछ कीजिए। कीजिए ना, ये बात तो हमारे हाथों से लीजिए जरा आराम से।